कभी देखे हैं सर, न जाने, और सब साधु देहधारी थे। समय कम रहेगा सर, बड़ी बीमार रहती है, जाना मना कर दिया जी। हमको सर दूसरे दिन आए, हमको मारे पीटे और गाली को सर लावा मत करना सर, तबीयत खराब है, सबके सामने कहेगा झूठ बात है, उस तरह अकेले नहीं होता, वो निकाल लेंगे ना अकेले में, हमसे कहेगा कि हाँ किया तो क्या कर लोगे। हमने दिखाया तो हमसे साइन करवा लिया, हाथ में डाल दिया साहेब लोग, और उसको गिरफ्तार नहीं किया। मेरी बहन को फालिश मार दिया ना, मेरी बहन साथ में रहती, भाई छोटा है, पढ़ाई करता है। माता जी को फालिश मार दिया है, ये कम सुन हो गया सब। कोई पढ़े लिखे है नहीं सर, मुझे पसंद आई, मैंने ऑनलाइन पैसा जमा कर दिया, गाड़ी नहीं दी, गाड़ी नहीं दिया। लेकिन फ़ोन किए तो कहने लगे कि तुम एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहे हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो मेरे जेठ है वो मेंटली हम लोग को बहुत हैरेस कर रहे हैं सर, अगर हम नहीं करेंगे इसको तो हमारे घर में जान भी जा सकती है, आग भी लग सकती है। ये साहब हमारी ज़मीन पे जो दूसरों को कब्जा करा रहे हैं। जी आ जी, ये फ्लैट हम लोगों का है, हमने उनसे कहा कि भाई हमको 10 साल हो गए। आपने आदेश किया था सर, कोई न गया वहाँ, नहीं लगा दिया था। तो रिपोर्ट कैसे आ गई, बिना जाए रिपोर्ट आ गई वहाँ, पढ़ी आपने रिपोर्ट क्या आई है? हाँ साहब, फिर भी बेचना वापस हुई है साहब। तो साहब हमारा यही है, क्षेत्र अधिकारी महोदय जो आए हैं सही जांच करते हैं, तो सी ओ साहेब भजोरा देश के देखें सही जांच के, नए वाले साहब आए हैं, कोई नए साहब आए हैं साहब, सी ओ जरी आरोप पत्र 1960 को, जिसमें तो चार शीट लग गई है आपके खिलाफ, वापस भी है सर। ये 20/4 को ये थाना हंडिया पे जो लिखा गया है, सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवार, जो साधु रहते हैं। ये क्या आपके पक्ष में विपक्ष में? ये सब विपक्ष में, तो इनके ऊपर भी लिखा गया मुकदमा, तो अब कोई होगा सर, हमने नहीं लिखा है। ये तो साहब लोग संपत्ति निवारण, उसमें जमीन तालाब पे कब्जा कर रहे थे साहब, तो हमारी पत्नी उस समय प्रधान हुआ करती थी, तो हमने एप्लीकेशन दे दिया था। क्या कह रहे एसपी गंगापाल, क्या बात हुई इसमें, लगाई हुई है ना पर्ची, आपने पहले बात की होगी सीओ साहब, देखे सीओ साहब ने जांच करा था, एसपी गंगा पार के लिए लिखा गया था ना पहले। हाँ पहले पहले साहब, क्या हुआ उसमें? पहले साहब आप लिखे रहे एसएसपी महोदय के, एसएसपी महोदय गंगा पार साहब लिख गया। प्रार्थी के विरुद्ध फर्जी तरीके से साधु वेशधारी महिला ने, जिसको न प्रार्थी जानता न पहचानता है, 50-60 किलोमीटर के हमने कभी देखे हैं साहब, न जाने, और सब साधु वेशधारी थे, हमारे ऊपर SC ST लगा दिया गया था। ये यहीं बुलवा लीजिए उनको सबको, सबको यहीं बुलवा लीजिए। मैं आए, बड़े भले सीओ साहब आए हैं, और उसने पूछना है एसपी गंगापाल ने क्या किया, इसमें पर्ची लगी हुई है, अभी तक क्यों नहीं किया रिजॉल्व, ये यहीं बुलवा लो उनको सबको, इनको बता देना, ये नंबर ले लो इनको, जब बुलाया जाए तो आ जाना आप। बताइए साहब, समय कम रहेगा सर, बड़ी बीमार रहती है, इलाज इलाज के लिए या साहब अब पेंशन के लिए समस्या आएगी साहब, हम दूर पड़ता है, दिक्कत होती है, नज़दीक कर दिया जाता है। आप सब इंस्पेक्टर हो, हमीरपुर के रहने वाले हो, तो बांदा महोबा कैसे हो जाएगी पोस्टिंग, आपको नहीं पता? समय कम रहेगा, समय कम रह जाए जितना, मैं सब इंस्पेक्टर के लिए थोड़ी है ये, यहाँ की रेंज में जो, उस रेंज में नहीं हो सकता आपका, प्रयागराज में ही कहीं जाना तो हो जाएगा। कौशाम्बी कर लिखिए इसमें, कौशाम्बी काम करते थे, हम मजदूरी नहीं देते थे सर, नहीं जाना मना कर दिया जी। तो हमको सर दूसरे दिन आए, हमको मारे पीटे और गाली को दिया कि सर हमारे उंगली, हमारे सर उंगली टूट गई, 3 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर।
थाने गए थे? नहीं जी। क्या हुआ वहाँ से? कुछ नहीं हुआ जी, सफाई आ रही थी, नहीं जा चुकी। ठीक बैठो, बताइए। सर मैं लखनऊ शिफ्ट है, कपर BO 918 KG 05 थाना की वजह कर बात सर। क्या हुआ दोबारा बताइए, क्या हो गया, किस लिए आना चाह रहे हो? सर लावा संबंद करवा रहा है। सर तबीयत खराब है। ये कितने दिन से हुआ? 19 से। कहाँ ड्यूटी कर रहे हो? सर थाने की जगह। ठीक। सर मेरा हस्बैंड ट्रैफिक पुलिस है और 2017 में हमसे शादी किया है और 2015 में गाँव की लड़की को भगाकर इधर उधर सबसे छुपा कर रखा था और मेरे शादी के एक साल बाद उसका बच्चा हुआ है और आज की डेट में उसके 3 बच्चे हैं और इसीलिए बाद में उसको लेके रह रहा है और कहने पर कहता है कि झूठ बात है और 4-5 दिन पहले मेरे घर गया था 20-25 लोग लेकर। अच्छा। खड़ा किया, कह रहा कि सब झूठ की बात है, जबरदस्ती मेरे साथ चलो। सर हमने कॉल किया था उसके पति को, आज उसके छुट्टे से वापसी हो, अभी आया नहीं। सर उसके 3 बच्चे हैं और उसके साथ तो रहना उचित नहीं है सर। कहाँ रखना चाहता हो? उसी पत्नी के यहाँ रखना चाहता आपको भी? कहता है कि तुम भी रहो, अभी रहेगी तो वहीं पर रहे। कैसे हो सकता है? घर कहाँ ले रखा है उसने? कोई सरकारी क्वार्टर ले रखा है? नहीं, सरकारी क्वार्टर नहीं ले रखा उसने कोई, केवल प्राइवेट रूम ले रखा है। उस रूम में वो रहती है, इस समय कोई चेंज कर दिया है उसको, कहीं और रखा है। और सर उसके साथ रहना भी नहीं चाह रहे। तो उसके लिए तो अलग से डिवोर्स वगैरह फाइल कर दीजिए, उसके लिए तो सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा आपको। लेकिन कह रहा है कि झूठ बात है तो उसको कह रहा है सर कि झूठ बात है तो यहीं पे। मतलब इस बात को मानता नहीं हो कि वहाँ जो नहीं मानता है कि किसके बच्चे हैं? पूछा नहीं कि किसके बच्चे हैं, कौन है? कहता है सब झूठ बात है, कहने पर झूठ बात है, यहाँ तक कि 20-25 लोग को लेकर मेरे घर गया था, सबको झूठ साबित कर रहा था। उन बच्चों को भी ले गया था? नहीं। और किसको ले गया था? मतलब गांव के लोग को लेकर गया था, 20-25 लोग को कराते हैं। आज तक ये मैंने सीओ के लिए कहा, सीओ जांच करेंगे इसमें, अगर उसके ये बात सही पाया जाए तो फिर उसके खिलाफ करा दो मुकदमा। अगर हाँ बताओ क्या और कुछ कह रहे हो? हाँ सर, क्या आज तक मुझे खर्चा ही तक नहीं दिया है? खर्चे तो उसका कोर्ट में डाल दीजिए आप, 125 का यहाँ देखेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे कि वो अपना जब इंक्वायरी में अगर आ गया दबाव में तो ठीक है, आपका समझौता हो गया, सुने होंगे तो। सबके सामने कहेगा झूठ बात है, उस तरह अकेले नहीं हो तो हम वो निकाल लेंगे ना। अकेले में हमसे कहेगा कि हाँ किया तो क्या कर लोगे, जो करना है वो कर लो, कुछ नहीं बिगड़ पाओगे हमारा। निकाल लेंगे हम लोग, जांच में निकाल लेंगे निश्चिंत से। बताइए। सर हमारे यहाँ बमबाजी किए थे, बम फोड़े थे, हमने जब आए यहाँ थाने पे घूसी थाने पे, हमने लिखाया तो हमसे साइन करवा लिया, ज्ञात में डाल दिया साहेब लोग और उनको गिरफ्तार नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर, अभी धमकी दे रहा है हमारे। सर तीनों मुलजिमान जितने लोगों पर एफ आई आर दर्ज हुई इनके मामले में, हाँ, तो सब के ऊपर एफ आई आर में आप मिलते हैं सर, जिसकी जमीन इधर की उधर करके। और अभी क्या किया, नाम निकाल दिया इनका? नहीं सर नाम नहीं निकाल दिया। और आपके यहाँ वो गए थे इनके FIR दर्ज करने के लिए, FIR दर्ज हुई नहीं, 56 दिन से FIR दर्ज हुई हो गई, अब गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, मुलजिम को खुलेआम घूम रहे हैं, फिर धमकी दे रहे हैं, अभी एक हफ्ता पहले घर में बमबाजी भी हो गई। नहीं तो जब बमबाजी हुई इसकी FIR हुई है? इसकी FIR हुई, लेकिन सर हम बता रहे हैं कुछ अज्ञात में कर दिए। अज्ञात में कर दिया? हाँ सर। किसने, वादी कौन है उसका? वादी आप ही। कहाँ है उसका हवाला, लिखा है आपने इसमें? हवाला नहीं दिया सर, उसमें लिखना चाहिए था ना, वो फिर इसमें आपने लिखा ही नहीं इसमें, FIR सर अलग से दे दीजिए, उसकी भी एप्लीकेशन दो जी, अगर उसमें नहीं हो रहा तो उसके लिए लिख के दीजिए।
नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, फर्जी फंसा रहे हैं। ये सर आपके यहाँ से एक एप्लीकेशन, उसका नंबर है एफआईआर का जो नई एफआईआर हुई है? हाँ सर। क्या नंबर है? धुंधला आ रहा है, 452 या 482 में कुछ कंफ्यूजन है। दिखाना नाम अज्ञात हुआ, कितनी तारीख को हुआ? तारीख भी नहीं आ रही। 8 तारीख है। वीडियो फुटेज भी है सर, वीडियो बल्कि है उसमें। यही लोग थे बम्बाजी में? जी सर, जो देखने पे आया है, जो लोग किए हैं इनके कहने पे हुआ है वो चीज़। 120B में षड्यंत्रकारी में वही थे, बस केवल इसलिए कि तुम अपना मुकदमा वापस ले लो और फर्जी की इधर उधर के आना जाना थाने अदालत बंद कर दो। ठीक करा, जब SSP साहब बुलाएं तो जाना है। कहाँ पर हो अभी? शिवकुटी। हाँ जी, शिवकुटी। तो कहाँ जाना, कहाँ चाहते हो? यही कार्यालय। ये तो कंप्यूटर वगैरह जानते हो? CCTNS में काम करते हो आप? करते हो CCTNS में? कितने लोग हैं वहाँ पर आपके थाने में? 4 है। तो वहाँ मतलब कर लेंगे वहाँ काम, आपको हटाया गया तो वहाँ से? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कोई नहीं आएगी? वो है कंप्यूटर ऑपरेटर है वहाँ आपके थाने पर? अच्छा, और कितने लोगों को ट्रेन किया उसने? सब तो बतानी रहती हैं। कितने महिला एंडर्स पे जितनी लोगों को तो बताना। नहीं तो वहाँ क्या दिक्कत आ रही है, आप तो शहर में ही हो, ये क्या मेडिकल किसका है? मेरी बहन पर फालिश मार दी है ना, मेरी बहन साथ में रहती, भाई छोटा है, पढ़ाई करता है। फालिश मार गई, दिक्कत होती है उनको दवा के लिए लेके जाना पड़ता है। यहाँ भाग दौड़ करनी पड़ती है, ऑफिस के अलावा ड्यूटी भी करनी पड़ती है फील्ड में भी? फील्ड में भी जाना पड़ता है, जैसे त्यौहार होगा कहीं होगा तो उसमें जाना पड़ेगा, दंगे वगैरह इसमें ऐसे में। ठीक, अरविंद प्रताप सिंह बताइए क्या हुआ? पोस्ट है सर, इलाहाबाद रहने वाले थे, माता जी को फाली मार दिया है, एक अंग सुन्न हो गया सर, ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहा हूँ, देख रेख कर हाईकोर्ट सुरक्षा हम चाह रहे थे। बांदा में लगातार हो तब से? जी। यहाँ लगे हो पहले कभी, ड्यूटी की है या? अभी ड्यूटी क्या कर रहे हो? पुलिस लाइन में। शुरू से पुलिस लाइन में चल रहे हो या लाइन हाजिर हुए हो? नहीं, 100 में से 100 से क्लोज भी है सर। ठीक, मोहम्मद असलम बैठिए बताइए। बताइए सर, 14 फरवरी को मैंने गाड़ी बुक करी थी और लाइन मैंने देखा था मोबाइल में, तो मैंने उससे लेन देन की बात सब कर ली थी, उसके बाद उसने कहा मैं गाड़ी यहाँ से भेज रहा हूँ, आप पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो सर मुझे गाड़ी पसंद आई, मैं पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, 95,000 की सौदा हुआ था। ठीक है, ये सब टेलीफोन पे बात चल रही थी? जी सर, वो आर्मी का बता रहा था, नकलाउ संपत्ति रखता है, फिर कोई पढ़े लिखे है नहीं सर, मुझे पसंद आई, मैंने ऑनलाइन पैसा जमा कर दिया, गाड़ी नहीं दी। गाड़ी नहीं दिया? गाड़ी का आपके साथ तो फ्रॉड हो गया। जी सर, आपके पास मैं 2-3 बार फोन भी किए थे, तो ये तो फ्रॉड हो गया आपके साथ। जी सर, आपको नहीं पता चला कि वो बदमाश है कोई? नहीं सर, वो तो बाद में मालूम पड़ा, जब 40,500 और मांगने लगा फिर तब हमारा दिमाग खुला कि ये तो गड़बड़ हो गया है। फिर मैं अपने साहब के पास गया, उनसे बताया तो डांट पड़ी बहुत हमसे, तो उन्होंने मेरा ये सब साइबर सेल भेज के काम करवाया सर, कुछ अकाउंट में बैलेंस रुक गया है, बाकी कैश निकल गया है। कितना पैसे ले लिया उसने? 96,000 सर, साइबर सेल सर, FIR भी हो गया है, थाने में चली भी गई थी। फिर सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सोच रहे जो पैसा बैलेंस है वो ट्रांसफर निराज है। नहीं, जो पैसा है वो कहीं रुका गया है कि नहीं अभी तक? जी, बैंक में रुका हुआ है। बैंक में रुका हुआ है जी। हाँ, तो आ जाएगा फिर, मिल जाएगा वो पैसा सर, तक वापिस करा देंगे फिर। जी सर।
तो उससे साइबर सेल से बात नहीं की आपने? उन्होंने कहा मैंने सब करके दे दिया, वो थाने वाले सब करेंगे सर। हाँ, थाने जाते हैं दरोगा साहब आश्वासन दे देते हैं। सुंदरलाल लखनऊ से गाड़ी खरीदने का ऑनलाइन बात हुई। सुंदरलाल नाम का आदमी को जानते थे पहले से? नहीं नहीं सर, कभी नहीं जानते थे। फ़ोन उसका आया था या आपने किया था? नहीं मैंने किया था गाड़ी देखने के बाद। कहाँ से पता चला आपको कि गाड़ी बेच रहा हूँ? मोबाइल से। मोबाइल पे क्या आया था? वो मोबाइल पे आते हैं ना उस पर गाड़ी सेल वाले। अच्छा, उससे भी देखे थे तो उस पर नंबर था, उसको डायल किया। ग्वालियर का बता रहा था, मेरा पोस्टिंग आर्मी से है। राजपूत 27 नंबर बता रहा है अपना। अच्छा जी, क्या फ़ोटो वोटो भी दिखाई उसने? गाड़ी की फ़ोटो थी सर, उसके फ़ोटो अपनी नहीं भेजी, उसकी फ़ोटो सब आईडी उसमें आ रही थी। आईडी में नहीं आ रही थी क्या? व्हाट्सएप पे कॉल हुई आपको या नॉर्मल कॉल की थी? नॉर्मल भी हुई थी सर, व्हाट्सएप पे, मतलब फेस टू फेस बात नहीं किया था उसने, लाइन पे व्हाट्सएप पे बात किया था उसने। अब मेरा पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास उसके पास है सर। है रिकॉर्डिंग? जी सर, 150 नंबर है उसके फ़ोन की रिकॉर्डिंग मेरे पास, दो दिन में। हाँ, दो दिन में 150 नंबर कम से कम। 150 नंबर क्या हुई है? 150 बार बात हुई? जी सर, पूरी मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर। कश्मीरी मोहल्ला का एड्रेस ये बता रहे हैं दरोगा जी का। चलिए नकल हो आते हैं, कहीं ऑर्डर लेना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा। फिर निर्देश जारी कराएंगे, जो जो इसमें होना है वो करा देंगे। अजय सरकार, उससे बैठिए। सर, जब से आपने एफआईआर करा दिया है दरोगा जी लग रहा है नाराज हो रहे हैं कि क्या बात है। थाने में जाते हैं तो सर मुलाकात नहीं करते। तो एक दिन फ़ोन किए तो कहने लगे कि तुम एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहे हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा और उन लोग बहुत पैसे वाले हैं। उनका ये बात कौन कह रहा है? यही सर दरोगा जी, ये इनका रिकॉर्डिंग है आपसे। कौन दरोगा जी? इससे क्या विवाद है? इसके खिलाफ़ FIR लिखाई थी आपने? हाँ सर, ये देखिए सर रिकॉर्डिंग है इसकी। कहाँ रहता है? करेली थाने के हैं सर, ये रहते तो अटाला में है। कह रहे हैं बहुत पैसे वाले हैं तो बार बार उनको परेशान क्यों कर रहे हो? एप्लीकेशन देने से कुछ नहीं होगा सर। रिकॉर्डिंग सर वो है तो बहुत पैसे वाला और वो माफिया टाइप का है, बार बार दरोगा जी कहते तुम चल के हमें घर दिखाओ, जबकि वो है जो रहता हो घर पे, घर ही पे रहता है वो। जी सर, घर ही पे रहता है। SSP के सामने आईओ की पेशी करा दो। ठीक, करा। थैंक यू सर। सर मेरे फादर इन लॉ की एक फोर व्हीलर थी जो उनकी डेथ हुई है 6 मई 2021 और मेरे जेठ ने यही गाड़ी उनके नाम पे ट्रांसफ़र की है 28 जनवरी 2022 को, मतलब उनके नाम पे ट्रांसफ़र की है। जी, तो उन्होंने अपने नाम पे ट्रांसफ़र की है विदाउट एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, तो इसके ऊपर FIR भी हो चुकी है सर, बट इसके आगे कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही सर, मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। हम बहुत बार चौकी पर भी जाके आए हैं बट वहाँ पे भी हमको जो SI है वो कहते हैं कि अभी तो मेरे पास केस आया है तो आई विल सी, मैं देखूँगा, इसको बहुत टाइम लग जाएगा, जबकि ये वेरीफाई होने के बाद FIR हुई है। किसने जांच की थी उससे पहले, FIR से पहले किसने जांच की थी? सर हम यहाँ SP ऑफिस में आए थे, बहुत सारी एप्लीकेशंस दी थी तो उसी के ट्रांजिशन में ये FIR हुई थी सर। और अभी सर ये जो मेरे जेठ हैं वो मेंटली हम लोग को बहुत हैरेस कर रहे हैं सर, इसीलिए अगर इसमें कुछ एक्सपेडाइट हो जाए तो इतनी बेटर, क्योंकि
इट इज़ ऑल डॉक्यूमेंटेड सर। इनफैक्ट उन्होंने हमारी वो जो बयान देते हैं वो भी हमने एफिडेविट करके भेजा, उन्होंने हमको बुलाया भी नहीं उसके लिए, मतलब हम जब अच्छा। एसपी ऑफिस जब भी गए हैं उसके बाद से एसआई ने हमको कभी कॉल नहीं किया, जब अच्छा। हम खुद होके गए हैं तभी भी उन्होंने हमको कुछ ना कुछ बहाने बोल के भेज दिया, और उसके बाद फिर हमने एफिडेविट करके हमने जब बयान भेजा है तो अभी उन्होंने अपडेट किया है जन सुनवाई पे जो भी चल रहा है उसके ऊपर, अभी उन्होंने डाला कि हमने बयान लिया जबकि हमने खुद ही जाके उनको बयान दिया है। कराते हैं इसे जल्दी, हमको हम सहयोग करते हैं मुहर्रम का साहब, तो हम परमिशन लेना था तो रिपोर्ट लगवा के हम ले गए डी एम साहब से, तो हम दिए मुहर्रम सर हमको भगा देते हैं डांट के, परमिशन नहीं देते हैं और कहते हैं आ जाओ कल आओ आ जाओ कल आओ, 15-20 दिन से सर हम दौड़ रहे हैं अंधे आदमी, लेकिन परमिशन नहीं दे रहे हैं, कि पहले जाओ एस डी एम से लगवा लो जाओ कप्तान साहब से लगवा लो, और सर नहीं दे रहे हैं परमिशन तो हमें दौड़ा रहे हैं, और कहते हैं अगर आप बगैर परमिशन के करोगे तो कैसी भेज के इनको जेल में भिजवा देंगे, बताओ सर अंधा आदमी मुझे इनको कहते सर। पिछले साल का कहाँ है, पिछले साल की परमिशन है सर? अभी तक पिछले साल लॉकडाउन था नहीं किया था हमने, उससे पहले की कभी? उससे पहले किया था लेकिन परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी सर, करते रहे। अब की जो है तो आदेश हुआ कि भाई जो लोग करते हैं वो अपना परमिशन ले, तो हम परमिशन लेने के लिए गए हैं तो देते नहीं हैं सर, और अगर हम नहीं करेंगे इसको तो हमारे घर में जान भी जा सकती है, आग भी लग सकती है, ये मुहर्रम का ऐसा मामला है कि हमारा जान क्यों जा सकती है? जी हाँ, वो ताजिया जो है लगाते हैं ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, तो जो अगर मन्नत मान लेता है अगर नहीं करता है तो उसका कुछ नुकसान जरूर नुकसान हो जाता है जी, तो हमें अंधे आदमी को दौड़ा रहे हैं सर और कहते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ थाना जाओ चौकी जाओ। यहाँ जी थाने चौकी से बात करके अभी बैठिए थोड़ी देर, ये अभी बता देंगे, उसे कहना जब पहले निकलता रहा तो इसका क्या दिक्कत है, कहे रुक रहे या कोई विवाद है तो बताए हमें। कहते हैं कि हमने पूछा है, कहते हैं कि नहीं होता है, हमने कहा हमारे पास रिकार्ड है देख लो, कहते हैं हम रिकार्ड की नहीं हमारे रजिस्टर में तो नहीं थे। अब सर जब नहीं होता था और तो आप लाइए कोई रिकॉर्ड कोई फोटो वोटो कुछ तो दिखाइए कि पिछली बार निकाला था आपने। हाँ मोबाइल में है, उसका लगाइए साथ में इसमें एप्लीकेशन के कि हमने पिछले फलां फलां वर्षों में निकाला, ये उसके फ़ोटो हैं। ठीक आप सर अगर कह देते तो अभी बताएंगे, ऐसे थोड़ी कह देंगे, मान लिया आप ये पता चल जाए कि आप पहले निकालते थे, अगर पहले निकालते रहे हो तो निकलवा देंगे। जी हाँ निकालते हैं मगर वो नहीं मान रहे सर। हम सर पैसे से जुटते हैं सर, तहसील सुरा में प्रैक्टिस करते हैं सर, हमारी ज़मीन सर 3433 खा है सर, हमको पट्टे से मिली है और नेपाल है साहब, हमारी ज़मीन पर जो दूसरों को कब्जा करा रहे हैं, और रिपोर्ट जो है हमारी पूर्व में जो रिपोर्ट है वो आई है कि हमारी ही ज़मीन है ये, उस पर जो है बोरिंग करा दी, हमने कहा इनको उस दिन हमने कहा कि हम आप जो है हमारी ज़मीन को नाप दीजिए, तो ये हमसे 10,000 रुपये के मांगने लगे, वहाँ और तमाम लोग पब्लिक भी थी और थे, जब हमने इन तो इन्होंने हमको जो है वहाँ अपरतता की और इनके दो लोग थे हमारे साथ मारपीट भी किए, उसके बाद सर वहाँ तमाम बीच बचाव किए, बीच बचाव के बाद ये सर हम तो हमने कहा ये मामला यही साल हो गया सर, हम घर चले गए सर, घर जाने के बाद ये सर हमारे खिलाफ सर रात को जो है 10 बजे मुकदमा कायम करा देते हैं साहब, ये साहब इनके इनके देखिए सर हम ये जो पुलिस अधीक्षक गंगा पार जी को दिए थे सर ये हमने बाद में दिए सर, हमारे साथ वहाँ जातवाद हो रहा है, हमारा ना मुकदमा लिखा जा रहा है ना कुछ हो रहा है सर, हमको सर इनके खिलाफ कुछ ना कुछ रोज पेपर में निकलता है सर, देखें आप सर इनका जिस दिन सर FIR हमारे खिलाफ लिखा है इनका ट्रांसफ़र हो चुका है, उससे पहले ही ट्रांसफ़र हो चुका है हल्के से, ये देखें सर ये हल्के से इनका ट्रांसफ़र हो चुका है, तो इसकी शिकायत तो आपको DM को करनी चाहिए ना सर, जो है हम SDM साहब से किए, SDM साहब ने इनको बुलाया था साहब, SDM साहब ने बुलाया उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि हम जो है मुकदमा वापस ले लेंगे सर, लेकिन इन्होंने मुकदमा नहीं लिया, अब सर ये मतलब हमको जो है ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हैं सर, और हमारी ज़मीन पे कब्जा हम वहाँ हमारे जान माल को खतरा है सर, हम ये चाहते हैं सर हमारी मदद करें सर, ये देखें हम बाहर में भी प्रार्थना पत्र दिए हैं, वहाँ कोई मदद हमारी नहीं हो रही है सर, इनके खिलाफ़ सर हमने मुख्यमंत्री
जी को जो है ये देखें सर, मुख्यमंत्री जी के लिखा है सर, ये रजिस्ट्री के पेपर है सर, और ये सर इन्होंने जो ज़मीनों पे जो है कब्जा कराया है सर, ये हम राज्य सूचना आयोग भी गए हैं सर, इसी बात से लेके ये सर राज्य सूचना आयोग के लेटर है, ये सर हमने भेजा था सर, बाहर को सर दिया, बाहर ने भी नहीं किया सर, वहाँ सर जांच हुई है, जांच में सत्यता पाई है, लेकिन जो है निर्देश नहीं है सर, अगर डायरेक्ट FIR का आदेश नहीं होगा तो सर ये मेरा कोई आदेश नहीं होगा सर, मेरा जो है वहाँ भविष्य जो है कहाँ जो प्रैक्टिस में सर वहाँ जो है कुछ ही कर रहे हैं, ये हमने सर दिया था इनको, देखें सर बाहर में दिया है सर, ये बाहर ने रिसीव किया है सर, वहाँ बाहर के लिपिक जो होते हैं सर, देखें सर, ठीक है सर, निवेदन है सर FIR डायरेक्ट FIR को नहीं करते, SC ST एक्ट की डायरेक्ट होती है सर, CO करेंगे जाँच उसके बाद होती है, सरकारी कर्मचारी के खिलाफ तो वैसे ही नहीं होती बिना जांच के खिलाफ सर, इतना ही मामला है इनके पास बहुत सारे, चलिए जो भी है तो इसकी शिकायत उनको करो ना, DM साहब को बताइए, आप साहब आप बात कर लें, उन्हीं को नंबर लगाया मैंने, उनकी कॉल उठी नहीं, अभी बता दिया उनको, आप उनसे मिलिए, उनको संज्ञान में है साहब, हाँ तो उनसे मिलिए, अभी मैंने फ़ोन लगाया उठा नहीं उनका फ़ोन, और वो चार्ज जब FIR कराए सर चार्ज में नहीं थे, इनको देखें सर 9-9 के FIR है सर, और ये जो है इनका जो है सर 2-8 में जो है इनका ट्रांसफर हो जाता है, और ये वर्तमान तैनाती बता के हमको FIR कराया, उन्हीं से मिलना, SDM साहब से मिलना, उनको बता देंगे, कल भी बात हुई थी सर, वो वापस नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है मुकदमा लिखाएं तो लिखाएं, हक़ करेंगे, लिखाएं तो उसका आपका भी लिख जाएगा, CEO साहब से भी बात रखी थी तो CEO साहब ने कहा, बस सुन लिए बात, सर हमने 9 साल पहले प्लाट लिया था हम लोगों ने कसाई मसाजी में, और रजिस्ट्री भी कराई, दाखिल खारिज भी हुआ, और हम उसके बाद प्लाट में काफ़ी दिन के बाद हमने काम भी लगाया उसका, सब लेवल फाइलिंग वेलिंग कराया, पूरा काम नीचे से ऊपर तक हुआ, अभी कुछ दिन पहले 2-4 तारीख से पहले ये आए, बोले कि ये अराजी, ये प्लाट हम लोगों का है, हमने उनसे कहा कि भाई हमको 10 साल हो गए लिए, और 10 साल का वक्त बहुत होता है, अगर हम हफ्ते 10 दिन पहले लिए होते तो चलिए भाई हमने गलत ले लिया, और 10 साल में हमारी रजिस्ट्री भी है, दाखिल खारिज भी है, उसमें हमने काम भी कराया, पूरी कुर्सी लेवल उसकी भरी हुई, मिट्टी और फाइलिंग सब कुछ हुआ, और इसी के बगल में था तो उसमें काम लगा हुआ था, थोड़ा लेबर ओबर लगे थे तो आके रोक दिए, नहीं नहीं मामला कभी आपने थाना दिवस तहसील दिवस में दिया नहीं, यहाँ 2 तारीख को हमने दिया था, तो हमारे पास फ़ोन आया था करैली थाने से सर परसों, तो उन्होंने पूछा कहाँ का वाक्य, हमने उनको बताया कि ये एरिया सर आता है कसारी मसारी में, तो उन्होंने कहा कि ये जो एरिया है ये धूमनगंज थाना लगता है, तो हमने कहा जी सर थाना तो धूमनगंज लगता है, तो बोले आपका एड्रेस करैली का है, इस वजह से लग रहा है ये गलती से मेरे पास आ गया, तो वो बोले कि मैं इसको धूमनगंज भेजता हूँ थाने, असल में सर धूमनगंज थाने हम इसलिए नहीं गए कि उन लोगों सब थोड़ा सा रहते हैं और क्रिमिनल टाइप के हैं, तो हम लोग ये पहली एप्लीकेशन में इसका मतलब जांच रिपोर्ट नहीं आई होगी, इनकी पहली एप्लीकेशन निकालो, इस पर लिखा भी नहीं इन्होंने, हाँ रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन वो गलत जगह भेज दी है वहाँ पर, इनका कहना जो मैंने इस पर लिख दिया, धूमनगंज से कार्रवाई कराए जी सर, कल भी हम आए धूमनगंज थाने को बताइए,